डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल अर्थात परमाणविक कक्षा। जैसा कि परिभाषा से वर्ड से पता चल रहा है कि परमाणु के कक्षक। अब ये कक्षक और कक्ष ये क्या है? कक्ष वह भाग है जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावनाएं अधिकतम हों वह क्षेत्र कक्षक कहलाते हैं। और नाभिक के चारों ओर, जैसे ये वाला नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर ये कक्षक, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष, चौथा, पांचवा, इन कक्षकों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती, लेकिन पीरियडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी के अनुसार अब तक हमारे पास 7 आवर्त ही डिस्कवर हुए हैं, तो हम लोगों ने इनका नाम KLMN दिया हुआ है। अर्थात KLMN हमारे कक्ष है, अर्थात ऑर्बिट है, अर्थात कोश है, अर्थात सेल भी हम इसको कहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे ये क्षेत्र, पर्टिकुलर ये क्षेत्र, ये कोई जगह नहीं बनाई गई, ये पर्टिकुलर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होती है, उसको हम लोग कक्षक कहते हैं। अर्थात कक्ष का छोटा रूप होता है कक्षक। तो हम कह सकते हैं कि कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जा सकते हैं? कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाए जाने का फॉर्मूला होता है 2^2n². तो यहाँ n जो है उसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ सेल, अर्थात कक्ष की संख्या। यदि पहला कक्ष है, इस कक्ष की बात करें, तो 2 × 1 × 2, तो ये हो गया 2। अर्थात पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरे कक्ष की बात करेंगे तो 2 × 2^2, तो ये 2 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड की बात करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 × 2 = 2, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि ये जो कोश है, इनके अंदर हमारे पास उपकोश हैं, इन उपकोशों के नाम हमारे हैं SPDF। S का मतलब होता है शार्प, ये वाला शार्प, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज, एंड F का मतलब फंडामेंटल। तो S कक्षक हमेशा नाभिक के अंदर की तरफ रहता है, S कक्षक नाभिक के अंदर की तरफ रहता है, अर्थात S कक्षक की पेनिट्रेशन जो पावर है वो ज़्यादा होती है। S के बाद P आता है, P के बाद D आता है, D के बाद F आता है, अर्थात चार हमारे ऑर्बिटल सब शेल है। तो हम यदि बात करें पहले कोश में, तो पहले में सिर्फ एक ही उपकोश होता है जिसको हम लोग कहेंगे 1s। दूसरे में बात करेंगे तो उपकोश दो हो जाएंगे जिनको हम लोग कहेंगे 2s और 2p। तीसरे में हो जाएंगे 3, तो 3s, 3p और 3d, और 4 में हो जाएंगे 4, तो 4s, 4p, 4d और 4f, इसी प्रकार से आगे चलता चला जाएगा। कक्ष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n², जबकि एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 होते हैं। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 होती है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत चक्रण वाले होते हैं। यदि एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके कारण रिपल्शन खत्म हो जाता है, रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में नहीं रहता, और एक निश्चित ऊर्जा के पथ में नाभिक के चारों ओर अपने स्थान पर ये गति करते रहते हैं, सराउंडिंग रहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो वही क्षेत्र कक्षक कहलाता है। तो कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। कक्षक हमारे एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। तो डी एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स यदि 14 है तो एफ के अंदर कक्षक हमारे 7 हैं, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन 10 है तो कक्षक हमारे 5 हैं, और पी के अंदर इलेक्ट्रॉन 6 है तो कक्षक हमारे 3 हैं, और एस के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 है तो कक्षक हमारे 1 हैं। और यही हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बता रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स परमाणु का कक्षक है, परमाणु का प्रतिरूप कैसा है। अब हमारे को इसके अंदर एक बात ये भी थी स्टूडेंट्स कि बोर ने हमें क्या सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की संरचना एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में ये कहा गया था कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के लिए एक निश्चित पथ का निर्धारण संभव नहीं है, अतः परमाणु संरचना संबंधी बोर
सिद्धांत का कोई औचित्य नहीं रहता। तो यह कहता है कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और बोर द्वारा इन निश्चित पथों को कक्ष कहते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर कक्षक की अवधारणा का जन्म हुआ। किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए यह ज्ञात करना तो संभव नहीं है कि किसी कक्षण उसकी सही स्थिति और वेग क्या है, लेकिन यह ज्ञात किया जा सकता है कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर के त्रिविमीय आकाश में किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता कितनी है। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो, वही क्षेत्र कक्षक कहलाता है। कक्ष और कक्षक में अंतर यही है। कक्षक की अवधारणा बोर ने दी, जबकि कक्षक की अवधारणा तरंग यांत्रिकी समीकरण सिद्धांत के आधार पर दी गई। कक्ष इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए टू डायमेंशनल पथ है, जबकि एक कक्षक हमेशा थ्री डायमेंशनल पथ में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है। एक कक्ष में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n2 जो कि मैंने पहले बता दी, जहाँ n कक्ष की संख्या है। इसके विपरीत किसी कक्षक में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चक्रित होते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। आपका भविष्य उज्ज्वल हो और कंटिन्यूस बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, डूंगर कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें। डूंगर कॉलेज हमारा ए ग्रेड नेक द्वारा दिया गया ए ग्रेड कॉलेज है और आप अधिकाधिक लेक्चरर्स के फ़ायदे उठाएं। और इस चैनल पर लगभग सभी विषयों के सारे ई व्याख्यान उपलब्ध हो रहे हैं। कंटिन्यूस बने रहे हमारे साथ। आपका भविष्य उज्ज्वल हो। धन्यवाद।